जो भी कुछ है घर में, अच्छा कूलर फ्रिज बासन भांडा सिंदूक सब चीज तोड़ दी। कितना रुपए का नुकसान हुआ होगा? हमारा हो कोई 4 लाख का नुकसान। अच्छा दोस्तों, जो सामने आपको ये सामान जो नज़र आ रहा है, गांव बिलक की ये मामला है, जहां पुलिस प्रशासन 5 से 7 गाड़ी लेकर आते हैं और यहां एक मुलजिम को पकड़ने आते हैं, लेकिन जब मुलजिम नहीं मिलता है तो उनके घरों में तोड़फोड़ की जाती है। आप ये जो वीडियो में देख रहे हैं कि किस तरीके से पुलिस प्रशासन ने यहाँ तोड़फोड़ की है, कोई एक सामान ऐसा नहीं रहा जिसको पुलिस प्रशासन ने तोड़ा ना हो। जब पुलिस प्रशासन के लिए कोई मुलजिम नहीं मिलता है तो उनके घरों में इसी तरीके से तोड़फोड़ की जाती है। ये पुलिस प्रशासन का कोई नया काम नहीं है, बल्कि इससे पहले भी काफ़ी ऐसी वीडियोज़ और काफ़ी ऐसे मामले संज्ञान में आए हैं कि जहां पुलिस प्रशासन ने काफ़ी तोड़फोड़ की है, लेकिन पुलिस प्रशासन इस तरीके से जो तोड़फोड़ करती है ये कहीं ना कहीं बिल्कुल गलत है। और पुलिस प्रशासन इस तरह की जो तोड़फोड़ करते हैं उस पर पुलिस प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं, हम उनसे अपील करेंगे कि इस तरीके से जो बर्बरता की जा रही है और इस तरीके से जो यहाँ का हाल बनाया जा रहा है कामा विधानसभा के अंदर, इस तरीके से ही पालड़ी गांव में भी इस तरीके से किया गया था, हम पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों से अपील करेंगे कि इस तरीके से जो बर्बरता की जा रही है और जो सामान को तोड़ा जा रहा है इस तरीके से ना किया जाए। जो मुलजिम है, हम ये नहीं कहते कि मुलजिम को नहीं पकड़ा जाए, बल्कि मुलजिम को मुलजिम के तरीके से पकड़ना चाहिए। उनके जो घरों में जो सामान है उनको हरगिज तोड़ना नहीं चाहिए। ये आप देख सकते हैं कि अनाज ये इनका क्या कर रहा था, जिसमें एक बताया जा रहा था कि जो यहाँ घर की महिला हैं वो ये कह रही थी कि उनके पास हथौड़े थे, उनके पास कुल्हाड़ियाँ थी जिनको लेकर आए थे, और उन हर एक कुल्हाड़ियों से उन्होंने यहाँ इस तरीके से वार किया कि जिस तरीके से यहाँ कोई एक बहुत बड़ा वो एक भ्रष्टाचारी, या हम अगर कहें कि बहुत बड़ा कोई मुलजिम हो, अगरचे वो मुलजिम है और उन्होंने कानून के ख़िलाफ़ कोई काम किया है तो उसको पकड़ना चाहिए, लेकिन जो अनाज वगैरह हैं, जो उनका सामान है, वो पुलिस प्रशासन का क्या बिगाड़ रहा था। हम इस वीडियो के माध्यम से अपील करेंगे कि इस तरीके से जो बर्बरता की जा रही है वो ना की जाए, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि पुलिस प्रशासन तक ये वीडियो पहुँचे और उनसे इनको कुछ राहत मिल सके, और जो इनके जो मुलजिम हैं उनको पकड़ लीजिए, इनकी तरफ से कोई हर्ज नहीं है, लेकिन यहाँ का जो घर का सामान है उनको साथ छेड़खानी नहीं की जाए। हमारे साथ वो महिला मौजूद है कि जिनके घर पर ये तोड़फोड़ की गई है, और इनका ये भी कहना है कि यहाँ जो इनके पति हैं और इनका एक लड़का, वो ऑलरेडी इन्होंने हाजिर कर रखे हैं, जेल के अंदर हैं, अब सिर्फ एक बेटा बचा हुआ है, वो घर पर भी नहीं है, वो इनको भी नहीं पता है कि वो कहाँ है कहाँ नहीं है, लेकिन पुलिस प्रशासन यहाँ आता है और तोड़फोड़ करते हैं। तो क्या क्या नुकसान किया है आपके यहाँ बताइए भाई? सब चीज तोड़ दी, जो भी कुछ है घर में। अच्छा, कूलर फ्रिज बासन भांडा सिंदूक सब चीज तोड़ दी। कितना रुपए का नुकसान हुआ होगा? हमारा हो कोई 4 लाख का नुकसान। अच्छा, पुलिस प्रशासन जब कल यहाँ आया था कितने गाड़ी थी उनके साथ में? उनके साथ 4 मोटरसाइकिल 9 गाड़ी। 9 गाड़ी। अच्छा, जब यहाँ आया था तो आपसे कुछ उन्होंने कहा है? हमने एक लड़की में थप्पड़ मारा। अच्छा, लड़कियों में थप्पड़ मारा? हाँ, थप्पड़ मारा। अच्छा, और जो आपका लड़का है जिसके ऊपर वो दबिश दे रहे हैं, वो घर पर है नहीं है? ना है। अच्छा, गुजरात में जैसी चला रहा है, यहाँ नहीं है वो, तो फिर पुलिस प्रशासन यहाँ आ रहा है। और जो आपके और बाकी हैं जो जिनके ऊपर और केस है, जेल में 6 महीने होगा, 7 में लग रहा है। अच्छा, वो जेल के अंदर है? जेल के अंदर है। अच्छा, तो अब पुलिस प्रशासन से आप क्या अपील करेंगे कि जो इस तरह आपके यहाँ नुकसान किया जा रहा है इसके बारे में? अब उसका बारे में भाई यही अपील करें, हमारा नुकसान ना होना चाहिए। हमने की सतारा वे बात भी जब हमारा मुलजिम भी जेल में। तो दोस्तों, आपने सुना और देखा कि इस तरह इनका साफ तौर पर ये कहना है कि अगर मेरा बेटा मुलजिम है तो उनको पकड़ ले, हमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जो हमारा घर का सारा सामान है इनको सुरक्षित रहना चाहिए, उनको इनके साथ छेड़खानी नहीं की जानी चाहिए, और इनके साथ ऑलरेडी जो इनके
पति हैं और इनका जो एक लड़का है वो ऑलरेडी जेल के अंदर है, और जब वो जेल के अंदर रहते हुए भी इनके घर के साथ इस तरह जो रवैया इख्तियार किया जा रहा है वो सरासर गलत है, ये इनका आरोप है। तो हम पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों से अपील करेंगे कि मुलजिम को मुलजिम के तरीके से पकड़ना चाहिए और उनके घर का इस तरीके से नुकसान नहीं किया जाना चाहिए।